सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके प्यारे चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों कैसे और आप सभी लोग, आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, बढ़िया चलनी भी चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 13th लेसन स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, हम इसके ऊपर मैंने आप लोग को ऑलरेडी दो लेक्चर दे दिए हैं और उसमें मैंने आप लोग को क्या समझाया था, एबायोटिक फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर बायोटिक फैक्टर का। साथ ही साथ मैंने आप लोग को पॉपुलेशन का एक कंसेप्ट पढ़ा दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। आज इस लेसन में, ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटरैक्शन देखने वाले हैं अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशन कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है, कैसे कम्युनिटी फॉर्म होती है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना। बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन है जिसमें आपको बहुत सारे क्विजेस मिलेंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे और आने वाले टाइम पे बहुत सारे लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। सही है, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, तो जरूर से उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं और फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। साथ ही साथ अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन होना है, कोई भी आपको क्विजेस है, ठीक है, कोई भी डाउट है, सॉरी कोई भी डाउट है अगर आपको वो डायरेक्टली मुझसे पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली आगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगता है तो वो भी आप आके वहां पे मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है, चलेगा। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्या बताया था मैंने, इस लेसन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से? दैट इज अडेप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, मतलब अलग अलग एबायोटिक फैक्टर के लिए कैसे कैसे अडेप्टेशन हम लोग को देखने मिलती है। देखो, एबायोटिक फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जैसा एबायोटिक फैक्टर प्रेजेंट होगा आपके आसपास वैसे ही वहां पे ऑर्गेनिज्म की भी डेवलपमेंट होगी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कैमल की बात करो, ठीक है, तो कैमल जनरली कहां देखने मिलेगा, डेजर्ट में देखने मिलता है। सही बात है, उसका कुछ उसने खुद क्या किया है, कुछ अडेप्टेशन किया हुआ। अडेप्टेशन 3 टाइप के होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल। ठीक है, तो अगर मैं कैमल की बात करूं तो कैमल क्या करता है पता है, कैमल के जो फीट होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग स्प्रेडेड होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लैट फीट होता है। क्यों? क्योंकि जब वो सैंड के ऊपर चले ना तो उसका पैर अंदर धंस ना जाए। तो ये क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, मतलब उसने खुद के बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाए। सही है, उस एबायोटिक फैक्टर के कंपैरिजन में। फिर अगर मैं बात करूं सॉइल की, जहां पे ज्यादा सॉइल है, जहां पे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वहां पे ज्यादा आपको फ्लोरा और फौना देखने मिलेगा। फ्लोरा और फौना मतलब क्या, ज्यादा आपको प्लांट स्पीशीज देखने मिलेगी और ज्यादा आपको एनिमल की स्पीशीज देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छा कल्टीवेशन है, ज्यादा वहां पे बोल सकते हैं ज्यादा टाइप के प्लांट्स उग रहे हैं। सही बात है, वहां की सॉइल फर्टाइल है। सही है, ऐसी अगर मैं बात करूं वाटर की, जहां पे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा वहां पे आपको वाटर वाले स्पीशीज देखने मिलेंगे, वाटर वाले प्लांट एक्वाटिक एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे, फिशेज देखने मिलेंगे। सही बात है, क्या आपको फिशेज जमीन पे दौड़ते हुए दिखते? बिल्कुल नहीं दिखते, क्योंकि वो एक अलग इकोसिस्टम है और नॉर्मल एक अलग इकोसिस्टम होता है। सही है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बीच में, कि कैसे अलग अलग पॉपुलेशन इंटरैक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एरिया में, बोईसर एरिया में ह्यूमन की एक पॉपुलेशन है और डॉग्स की एक पॉपुलेशन है, तो डॉग और ह्यूमन के अंदर क्या इंटरेक्शन है, हम उनको रोटी देते हैं, वो हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं। सही है, तो ये एक टाइप का इंटरेक्शन है। वैसे बहुत सारे टाइप के इंटरेक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, आ जाओ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज सबसे पहले एक बात कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक सिंगल स्पीशीज सर्वाइव कर सकती है। देखो, हर स्पीशीज एक दूसरे स्पीशीज पर डिपेंड होती है। चाहे आप कहीं भी देख लो, आप घर पे अगर आपको खाना खाना है तो या तो आप प्लांट्स खा सकते हो या तो आप किसी एनिमल को खा सकते हो। सही है, आप मीट खा सकते हो, एग खा सकते हो, ये क्या है, एनिमल के प्रोडक्ट है। या फिर आप प्लांट्स खा सकते हो, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सारी चीजें। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल भी कहां से मिल रहा है, आपको एक ऑर्गेनिज्म से ही तो मिल रहा है। प्लांट भी क्या है, एक टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो। सही बात है, ऐसे ही इस दुनिया में, ठीक है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक सिंगल स्पीशीज सर्वाइव कर सकता है। वही चीजें मैंने यहां पर भी लिखी हुई है। क्या लिखा है मैंने, सिंगल स्पीशीज cannot live in any habitat, इस दुनिया में किसी भी habitat में एक single species नहीं रह सकती। सही है, फिर क्या है, every species need at least one more species to feed। ठीक है, इस दुनिया में हर स्पीशीज के साथ एक दूसरी स्पीशीज जरूरी है ताकि वो क्या कर सके, उसके ऊपर फीड कर सके, भैया उसको खा सके, तभी तो दूसरी स्पीशीज को सर्वाइव कर पाएगी। सही बात है, तीसरा क्या पॉइंट है, दैट इज एवरी ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को खा रही है, चलो ये तो मैं बात मानता हूं, लेकिन ऑटोट्रॉप्स का क्या, प्लांट्स का क्या,
ठीक है। प्लांट्स क्या, प्लांट्स किसी को थोड़ी खाते हैं, वो तो भैया सन की एनर्जी से अपना खाना बना लेते हैं ना, लेकिन प्लांट्स भी बहुत सारे माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स आप लोग ने पढ़े होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल के अंदर डाल देते हैं, और वो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए भी। तो इवन ऑटोट्रॉप्स, जो ऑटोट्रॉप्स है ना, वो भी दूसरे स्पीशीज के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। सही बात है, वही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इवन ऑटोट्रॉप्स नीड सॉइल माइक्रोब टू सर्वाइव। ठीक है, सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स को भी, ऑटोट्रॉप्स को भी क्या होती है, उनकी जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। क्लियर है? फिर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, दैट इज हेंस पॉपुलेशन इंटरैक्शन इज ऑलवेज देयर। मतलब हर जगह पे अगर आप एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज के बीच में अगर इंटरैक्शन हो रहा है, अगर मेरे को भी कुछ वेजिटेबल को खाना है, तो मतलब क्या हो गया, वो भी एक टाइप की इंटरैक्शन हुई ना मेरे और उसके बीच में। ठीक है, मेरे घर में कॉकरोच घूम रहा था, वो मुझे बीमारियां दे रहा है, मैं उसको, मैंने जैसे वो दिखा, मैं उसको एक चप्पल से मार दिया, मैंने उसको झाड़ू से मार दिया, तो वो भी क्या हो गया, एक टाइप की इंटरैक्शन है बच्चों। ठीक है, इसी चीज को इंटरैक्शन बोलते हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शन बोलते हैं। और दुनिया में कोई भी स्पीशीज अलग अलग नहीं रह सकती, ठीक है, सिंगली स्पीशीज कोई भी नहीं रह सकती, आपको खाना खाना पड़ेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। सही बात है, बिना खाना खाए आप रह नहीं सकते, और अगर आपको खाना खाना है तो या तो आप प्लांट सोर्स से लो, चाहे आप एनिमल सोर्स से लो। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है। कुछ चीजें और देखते, अगर हम लोग को इसकी बात करें, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करें, तो दो टाइप के इंटरेक्शन हम लोग को देखने मिलते हैं। या तो हम लोग अपनी ही पॉपुलेशन में इंटरेक्शन कर ले, जैसे मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूं, तो फॉर एन एग्जाम्पल ये सेम पॉपुलेशन है, ह्यूमन की एक पॉपुलेशन है, मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो इंटरेक्शन है वो दूसरे स्पीशीज से भी हो सकती है, कैट से भी हो सकती है, रैट से भी हो सकती है, अलग अलग स्पीशीज से भी हो सकती है। सही बात है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, इंटरेक्शन को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इंटरेक्शन को मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, एक है इंट्रा स्पेसिफिक और एक है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा मतलब क्या, विद इन अ सेम पॉपुलेशन, ठीक है, विद इन अ सेम पॉपुलेशन, समझ रहा है, सेम पॉपुलेशन मतलब क्या, कि आप ह्यूमन हो तो आप किसी दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे आप घर पे अपने मम्मी पापा से इंटरेक्ट करते हो ना, मम्मी को बोलते हो मम्मी खाना दे दे भूख लगी है, ये भी एक टाइप का इंटरेक्शन है, आप मम्मी से इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको कुछ काम रहता है, कुछ पैसे चाहिए रहते हो तो आप पापा से मांग लेते हो। सही है, तो ये क्या भी ये भी एक टाइप का क्या है, इंटरेक्शन है। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या है, इंटरेक्शन। आप दुकान पे जाते हो, अंकल से मांगते हो, अंकल मेरे को ये चॉकलेट दे दो या बिस्किट दे दो, कोई भी चीज दे दो, तो ये भी क्या है, एक टाइप का इंटरेक्शन। तो अगर ऐसा इंटरेक्शन है जो सेम स्पीशीज में हो रहा है, ठीक है, सेम स्पीशीज में हो रहा है या फिर सेम पॉपुलेशन के अंदर हो रहा है, तो इसको मैं कहूंगा दैट इज, इट इज अ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, इट इज अ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। वही, ठीक है, इंट्रा मतलब क्या, विद इन अ सेम पॉपुलेशन। वही अगर मैं बात करूं इंटर स्पेसिफिक की, ठीक है, इंटर मतलब क्या, अलग अलग पॉपुलेशन के बीच, विद इन अ डिफरेंट पॉपुलेशन, लिख सकता हूं मैं, विद इन अ डिफरेंट पॉपुलेशन। सही बात है, ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशन अगर एक दूसरे से क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगे, अलग 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 पॉपुलेशन मतलब अलग अलग स्पीशीज के लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, तो वो क्या होगी, इंटर स्पेसिफिक। समझ में आया क्या होता है इंट्रा स्पेसिफिक, क्या होता है इंटर स्पेसिफिक। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ नोटेशन लिखे हैं, नोटेशन मतलब क्या, अब देखो जब इंटरेक्शन होती है, ठीक है, जब इंटरेक्शन होती है तो किसी एक का फायदा होगा और किसी एक का नुकसान होगा। ठीक है, किसी एक का फायदा होगा, किसी एक का नुकसान होगा। हम लोग को इंटरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़नी है। ठीक है, हम लोग को ये नहीं पढ़ना कि तुम अपने दुकान वाले से जाके क्या मांग रहे हो, कैसा इंटरेक्शन कर रहे हो, वो हम लोग इंटरेक्शन नहीं पढ़नी इस लेसन में। हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है, दैट इज इंटर स्पेसिफिक, मतलब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रही है। ठीक है, अगर मैं कुछ नोटेशन की बात करूं तो यहां पर अगर मैं प्लस साइन लिखूंगा, प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं क्या बोल सकता हूं कि एक ये है, ठीक है, एक फ्लावर है और एक हनी भी है। ठीक है, तो हनी भी आती है फ्लावर के पास किस लिए, नेक्टर के लिए। ठीक है, तो हनी भी आई फ्लावर के ऊपर बैठी और उसमें से नेक्टर क्या किया, निकाल लिया। साथ ही साथ फ्लावर के साथ क्या हुआ, फ्लावर ने क्या किया, हनी भी के थ्रू फ्लावर ने क्या किया, पॉलिनेशन करवा लिया। तो दोनों के लिए क्या हो गई, ये पॉजिटिव बात, मतलब फ्लावर के लिए, फ्लावर की मजे हो गए, उसका पॉलिनेशन हो गया, वो रिप्रोडक्शन हो गया, और हनी भी के भी मजे हो गए, उसको भी क्या मिल गया, नेक्टर मिल गया। सही बात है, तो यहां पे ऐसी पॉपुलेशन जहां पे आपका कोई फायदा हो रहा हो, ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन या फिर ऐसा इंटरेक्शन जहां पे आपका कोई फायदा हो रहा हो, इसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, ऐसी इंटरेक्शन में क्या कहूंगा, पॉजिटिव इंटरेक्शन। दूसरा क्या है, नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव मतलब जिससे आपका कोई नुकसान हो रहा हो, जैसे मेरे सर में जुए, ठीक है, मेरे सर में बहुत सारे जुए अगर है, तो ऐसे तो नहीं है बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर होंगी तो जुए क्या कर रही है, मेरे बॉडी से खून चूस रही है, खून चूस से ब्लड को ऐसे सक किए जा रही है, तो उसके लिए तो पॉजिटिव इंटरेक्शन है, भैया बोल रहे अरे बड़े मजा आ रहा है भैया, इधर ही रहती हूं मैं तो जिंदगी भर, तो उसके लिए पॉजिटिव इंटरेक्शन। लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे को तो बीमारी कॉज हो रही है ना, मेरा तो ब्लड जा रहा है ना, तो मेरे लिए क्या है ये, इट इज अ नेगेटिव इंटरेक्शन, मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इंटरेक्शन हो जाएगा।
समझ में आ रही है बात। फिर एक होता है न्यूट्रल इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन तो होती है लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कभी किसी को फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बफेलो और एक ईगरेट के बीच में होगी, देखा होगा आप लोगों ने, अगर कभी आप गांव आउटसाइड गए रहोगे या फिर किसी मूवी में देखा होगा, तो जब भी एक बफेलो होती है ना, वो आसपास का जब घास खा रही होती है, ठीक है, बफेलो या फिर काऊ ले रहे, जब वो घास खा रहती है तो उसके उस पीठ, उसके पीठ पे आके एक पक्षी बैठ जाता है, ठीक है। अब वो पक्षी क्या बात करता है एक दूसरे से कि यार तेरे बारे में ये भैंस वो बोल रही थी, ये भैंस ऐसा बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करता है वो पक्षी आपको पता है? जैसे ही जो आपकी ये है बफेलो है या ऑक्स है, आपकी सॉरी बफेलो है या फिर काऊ है, वो क्या करेगी, घास को खाएगी, ठीक है। तो जैसे ही वो घास को खाने जाएगी ना, उस घास के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े प्रेजेंट होंगे, जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से वो जो जो पक्षी बैठा जाती है ईगरेट, उस पक्षी का नाम क्या है, ईगरेट, वो क्या करेगा, उसको फटाफट मतलब जो इंसेक्ट्स है उसको पहचानने में यानी इंसेक्ट्स को देखने में आसानी हो जाएगी, मतलब वो जल्दी से क्या कर लेगा, इंसेक्ट को कैप्चर कर लेगा। तो उसके लिए ईगरेट के लिए बात करूं तो वो पॉजिटिव इंटरेक्शन है, मतलब उसकी हेल्प हो रही है ईगरेट की। लेकिन क्या बफेलो कोई फर्क पड़ रहा है, ठीक है, क्या बफेलो कोई फर्क पड़ रहा है? अगर ये ईगरेट आके बैठे तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ना बैठे तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना घास खाती रहेगी, सही बात है। तो इसके लिए इंटरेक्शन कुछ नहीं है, ठीक है, शून्य है। इसके लिए कोई भी इंटरेक्शन ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसके लिए इंटरेक्शन क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। सो ये तीन टाइप के नोटेशन हम लोग को पता होनी चाहिए इंटरेक्शन के बीच में। अगर प्लस लिखा है यानी पॉजिटिव इंटरेक्शन, अच्छी है भैया हमारा फायदा हो रहा है। अगर माइनस लिखा है तो नेगेटिव इंटरेक्शन, मतलब भैया मेरा नुकसान हो रहा है। और अगर जीरो लिखा है, जीरो मतलब क्या, न्यूट्रल, मतलब ना मेरा फायदा ना नुकसान, कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, बस इंटरेक्शन हो चुकी है। क्लियर है। तो यहां पे हम लोग कुछ इंटरेक्शन पढ़ने आ जाओ, दिखाता हूं मैं तुम लोग को, ऐसे कुछ एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर आपको कुछ इंटरेक्शन में आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहला क्या है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, एक स्पीशीज को पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब उसको कोई फायदा मिल रहा है, और दूसरी कोई स्पीशीज को नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडेशन, ठीक है, प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में जिसको फायदा हो रहा है वो क्या होता है, प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब शिकारी, ठीक है, शिकारी जो शिकार करता है, और जिसका नुकसान हो रहा होगा वो क्या होगा, प्रे मतलब शिकार, सही है। तो अगर एक शिकारी है एक शिकार है, तो शिकारी ने क्या किया, शिकार को मार दिया, सही है। तो अगर मैं किसी को मार दूंगा तो मेरे लिए तो अच्छी बात है क्योंकि मेरा खाना मिल गया, लेकिन उसके लिए अच्छी बात थी क्या, नहीं, उसकी तो जिंदगी चली गई ना, ठीक है। तो ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। सिमिलर सी एक और होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, इसे हम लोग बोलते हैं पैरासिटिज्म, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म, जिसमें पैरासाइट के लिए क्या बने बोला, पैरासाइट के लिए ये इंटरेक्शन पॉजिटिव है, वहीं अगर मैं बात करूं होस्ट सेल के लिए, ठीक है, होस्ट की बात करूं तो उसके लिए ये इंटरेक्शन नेगेटिव होगी, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में कोई पैरासाइट घुस गया, फॉर एग्जांपल एस्केरिस घुस गया, ठीक है, एस्केरिस मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके बैठ गया, अब वो क्या कर रहा है, मेरे बॉडी का पूरा डाइजेस्टेड फूड जो है वो खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, और मुझे क्या कर रहा है, वो बीमारी कॉज कर रहा है। तो भैया उसके लिए तो पॉजिटिव इंटरेक्शन है ना, उसको तो मस्त मजे आ रहे हैं, भैया उसको खाना मिल रहा है मस्त पका पकाया, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात है क्या, नहीं, मेरे लिए क्या है, मुझे बीमारी कॉज कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिज्म। तो देख रहे हो प्रेडेटर और पैरासिटिज्म थोड़े बहुत सिमिलर से लेकिन डिफरेंट होता है। पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो आपकी बॉडी पर रहे, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो आपकी बॉडी पर रहे, आपका ही फूड खाए लेकिन आपको ही क्या पहुंचाए, बीमारी पहुंचाए, समझ में आ रही बात, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, सही है। आपके ही बॉडी के ऊपर रहेगा, आपका ही खाना खाएगा और क्या करेगा, आपको ही क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरासाइट्स। देखिए पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, हम लोग ने जनरली पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में, एक होते हैं एक्टो पैरासाइट, एक होता है एंडो पैरासाइट। एक्टो मतलब क्या, जो आपके बॉडी के बाहर से आपको क्या करे, परेशान करे, जैसे जुए, मेरे बॉडी में बाहर जुए प्रेजेंट है ना, तो ये बाहर प्रेजेंट है और ये मैं क्या कर रही है, मेरे ब्लड को, मेरा जो खून है उसको चूस रही है, तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए पॉजिटिव इंटरेक्शन, लेकिन मेरे लिए क्या है, ये नेगेटिव इंटरेक्शन है, ये मेरे बॉडी के बाहर प्रेजेंट थी, लेकिन जो मैं एस्केरिस का एग्जांपल देता हूं, वो मेरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, सही बात है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट, सॉरी एंडोपैरासाइट। क्लियर है, ठीक है, पैरासिटिज्म समझ में आ गया, प्रीडेशन समझ में आ गया। दूसरा है, एक होता है नेगेटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। अब ऐसी इंटरेक्शन करना ही क्यों चाहेगा भैया, ऐसी इंटरेक्शन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। अगर एक चीज के लिए कंपटीशन करोगे तो आपको उसमें झगड़ा करना पड़ेगा, सही बात है, ठीक है। अगर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या फिर कोई एक फूड है, उस दो ऑर्गेनिज्म को खाना है उस चीज को, तो दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उसके लिए झगड़ा करेंगे, जिसमें दोनों का ही नुकसान है, भैया दोनों को चोट लग सकती है यार, तो क्यों झगड़ा करना। आपने देखा होगा ना किसी एक चीज के लिए, जैसे ट्रेन में एक सीट होती है तो सीट के लिए लोग झगड़ा करने लगते हैं, झगड़ा करने के बाद क्या होता है, लोगों का दिमाग खराब होता है, तो क्या है, दोनों के लिए, दोनों का दिमाग खराब होता है, तो दोनों के लिए क्या है, नेगेटिव इंटरेक्शन है,
ठीक है, दोनों के लिए अच्छी इंटरेक्शन नहीं है, समझ रहे हो? तो नेगेटिव इंटरेक्शन ये क्या हो गया, कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक स्पीशीज के लिए पॉजिटिव है, दूसरी स्पीशीज के लिए भी क्या है, पॉजिटिव है, ये बड़ी अच्छी इंटरेक्शन है। मतलब एक भी एक के लिए भी पॉजिटिव है, दूसरे के लिए भी क्या है, पॉजिटिव है। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना भाई, तेरा भी काम हो जाए मेरा भी काम हो जाए, इसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअली काम करना। इसको हम लोग क्या, इस इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज म्यूचुअलिज्म। जैसे मैंने अभी आप लोग एग्जांपल दिया कि एक फ्लावर है और एक हनी बी है, ठीक है, तो हनी बी और फ्लावर के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, हनी बी आती है नेक्टर लेने के लिए, तो फ्लावर के बीच में अंदर से वो नेक्टर ले लेती है, तो उसके लिए क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन, भैया उसको नेक्टर मिल गया, मस्त। और साथ ही साथ फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर को क्या हो गया, फ्लावर का पॉलिनेशन हो गया ना, तो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो दोनों के बीच में क्या हो रही है, पॉजिटिव इंटरेक्शन। हनी का भी, हनी बी का भी फायदा है और फ्लावर का भी फायदा है, तो ये क्या हो गए, हनी बी हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है, दैट इज पॉजिटिव और कुछ नहीं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया काऊ या बफेलो और ईगरेट का एग्जांपल दिया ना, तो इसमें जो ईगरेट था उसके लिए भैया पॉजिटिव इंटरेक्शन है, भाई बोल रहा है भैया मेरे को तो इंसेक्ट्स मिल जा रहे हैं ना, इंसेक्ट्स तो खाने को मिल जा रहे हैं, लेकिन क्या काऊ के लिए कोई पॉजिटिव इंटरेक्शन है, क्या काऊ को कोई फायदा हो रहा है ईगरेट के बैठने पे, नहीं ना, उसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, सो ये उसके लिए क्या है, जीरो बटा सन्नाटा, मतलब इसके लिए न्यूट्रल इंटरेक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया। वही अगर दूसरी बात करूं, जैसे माइनस और पॉजिटिव, मतलब ये तो सबसे बेकार इंटरेक्शन है, मतलब एक स्पीशीज को नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है, और दूसरी स्पीशीज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये सबसे खराब ये है, ठीक है। इसके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है अभी तक तो फाइंड नहीं हुए, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे पेनिसिलिन और बैक्टीरिया, ठीक है, पेनिसिलिन और बैक्टीरिया। पेनिसिलिन क्या होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा कि पेनिसिलिन एक टाइप की दवाई होती है जो हम लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए देते हैं, तो पेनिसिलिन भी क्या एक टाइप का ऑर्गेनिज्म ही है ना, जो किससे बना है। तो अब पेनिसिलिन क्या आएगा, जैसे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है वो बैक्टीरिया को मार देता है, तो बैक्टीरिया के लिए तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन है, सही है, बैक्टीरिया के लिए क्या है ये नेगेटिव इंटरेक्शन, मतलब वो तो मर जा रहा है ना, लेकिन क्या पेनिसिलिन को इससे फर्क पड़ता है, पेनिसिलिन को इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसका उसको बोलता है भैया मेरा तो काम ही है केमिकल रिलीज करना, अब मैं तो अपना केमिकल रिलीज कर रहा हूं, इससे तुम मर जा रहे हो, तो मुझे क्या, मैं क्या कर सकता हूं, ये बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो भी पेनिसिलिन वो केमिकल रिलीज करेगा ही करेगा, समझ में आ रही बात। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमेंसलिज्म, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव और न्यूट्रल वाला समझ में आ गया, काऊ और ईगरेट का, इसे हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है, कमेंसलिज्म मतलब क्या, दोनों एक को फायदा है और दूसरे को फायदा नहीं है, और अमेंसलिज्म मतलब क्या, एक को नुकसान है और दूसरे को क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है, ठीक है। यहां पे एग्जांपल दे दिया मैंने तुम लोगों को, पेनिसिलिन और बैक्टीरिया एग्जांपल तुम लोग लिख सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर मुझे आप लोग को प्रीडेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाना है, क्योंकि प्रीडेशन आप लोग को बुक में अच्छे से दिया हुआ है, तो प्रीडेशन के बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं हम लोग, कहां गया, आ जाओ प्रीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी मैं प्रीडेशन का वर्ड, ये वर्ड यूज करता हूं, यानी शिकार या फिर शिकारी वाला वर्ड यूज करता हूं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि एक लायन एक डियर को खा रहा होगा, सही है, या फिर कोई एक बड़ा सा जानवर एक छोटे से जानवर को मार रहा होगा, ये प्रेडेशन तुम्हारे मन में। लेकिन अगर एक स्पैरो बर्ड देखा, छोटी सी बर्ड होती है, अगर वो सीड खा रही है ना, तो वो भी एक टाइप का प्रेडेशन है, ठीक है। कोई भी हम लोग बोल सकते हैं हर्बीवोरस प्लांट, ठीक है, कोई हर्बीवोरस जो मतलब जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता हो, वो ग्रासेस को खा रहा है ना, तो वो भी क्या है, एक टाइप का प्रेडेशन ही है, समझ में आ रही बात। तो प्रेडेशन ऐसे तुम भी कुछ खा रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म को मार के खा रहे हो अगर, ठीक है, तुम लोग मीट खा रहे हो अगर, एग खा रहे हो, तो वो भी क्या है, एक टाइप का प्रेडेशन ही है। तुम लोग अगर वेजिटेबल खा रहे हो, तो वो भी एक टाइप का प्रेडेशन ही है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो प्रेडेशन कोई बुरी चीज नहीं है, ऐसा मत सोचो कि प्रेडेशन मतलब क्या, एक ताकतवर जानवर एक कमजोर जानवर को मार देता है, ये गलत बात है, नेचर में ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है कि भैया जो बड़े जो स्ट्रॉन्गर एनिमल है वो इसको मार दे, भैया ऐसे ही चलती है, ठीक है, आपका जो नॉर्मल जो ये है फूड साइकिल है वो भी ऐसी चलती है। अगर जो ग्रासेस है, ठीक है, उस ग्रासेस को अगर कोई हर्बीवोरस एनिमल नहीं खाएगा, तो वो जो एनर्जी है वो कैसे फूड चेन में आगे बढ़ेगी, ठीक है, फूड चेन में कैसे आगे बढ़ेगी एनर्जी, कैसे वो एनर्जी तुम तक पहुंचेगी, तुमको एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सही बात है। तो प्रेडेशन भैया बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। Although 25% of all the insect, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी इंसेक्ट है उसमें से 25% क्या है, फैगोफाइट्स है, ठीक है, फाइटोफाइट्स है, ठीक है, फाइटोफैगस है, सॉरी, फाइटोफैगस मतलब क्या, कि जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, विच डिपेंड ऑन प्लांट्स, ठीक है, किस पे डिपेंड होते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फाइटोफैगस, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अब देखो
प्रेडेशन की बड़ी सारी यहाँ पे चीजें अच्छी अच्छी बातें बताई हुई है, ठीक है। प्रेडेशन बहुत ही अच्छी चीज है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी शिकारी ने ये नोट लिखा हुआ है कि भैया देखो हम भी नेचर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन तुम लोग हमें ऐसा गलत सोचते हो। कुछ नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेडेशन इज गुड, ठीक है। प्रेडेशन क्या है भैया, अच्छी चीज है। अगर प्रेडेशन नहीं होगा तो जो प्रे की पॉपुलेशन है, यानी बोल सकते हो जो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, और उसको कम करने के लिए कोई रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। फिर इसका क्या है, पासिंग एनर्जी टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल होता है, ट्रॉपिक लेवल होता है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि पहले हर्बी जो प्लांट्स होते हैं, फिर उसके बाद हर्बीवरस, फिर कार्निवरस आते हैं, फिर जो ओमनीवरस आते हैं, ऐसे कुछ होता है ना, लेवल जाता है। तो उसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो भी किसकी वजह से हो रहा है भैया, वो भी प्रेडेशन के वजह से ही हो रहा है। अगर हर्बीवोरस प्लांट को नहीं खाएगा तो उसकी एनर्जी उसको कैसे मिलेगी, सही बात है। तो ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी अगर आपको भेजना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रेडेशन, क्लियर है। इट कीप प्रे पॉपुलेशन इन चेक, ठीक है। प्रे पॉपुलेशन को चेक में रखने के लिए, मतलब उसको उसकी पॉपुलेशन को कम रखने के लिए, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि एक कैरिंग कैपेसिटी नाम की चीज होती है, नेचर मदर नेचर के पास एक कैरिंग कैपेसिटी है ना, उससे ज्यादा वो चीजें कैरी नहीं कर सकती। तो इतना पॉपुलेशन ज्यादा प्रे का नहीं होना चाहिए उस चीज को चेक में रखने के लिए, ठीक है। पॉपुलेशन को कम रखने के लिए भैया प्रेडेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो इट कीप द प्रे पॉपुलेशन चेक, सही है। हेल्प टू मेंटेन डाइवर्सिटी, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे भैया डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन होगी प्रेडेशन से, तो मैं तुम लोग एग्जाम्पल देता हूं कि एक स्टारफिश थी जिसका नाम था पिजास्टर स्टारफिश, ठीक है। इसका नाम क्या था, पिजास्टर, इसको ज्यादा साउंड करता है ना डिजास्टर की तरह, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी थी। क्यों ऐसा पता है, ये एक प्रीडेटर है, ये क्या है, एक प्रीडेटर। कहां पाई जाती है ये, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, ठीक है। कहां पाई जाती है ये, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में। तो कुछ टाइम बाद एक टाइम पे साइंटिस्टों ने क्या किया था पता है, इस पिजास्टर स्टारफिश को उस एरिया से निकाल दिया, ठीक है। उस एरिया से क्या कर दिया, उस स्टारफिश को निकाल दिया। अब जैसे ही उस एरिया से स्टारफिश को निकाला ना, तो इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से विद इन अ फाइव ईयर्स में विद इन अ फाइव ईयर्स के अंदर 10 species, ठीक है, 10 species एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। विद इन अ फाइव ईयर्स के अंदर कितनी, 10 species एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि आप लोग ने एक प्रेडेटर हटा दिया जिसका नाम था पिजास्टर स्टारफिश। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो वो जो 10 अलग अलग species होंगी ना, पहले क्या होती थी, इन 10 अलग अलग species को कौन खा जाता था, ये पिजास्टर स्टारफिश खा जाती थी। लेकिन जैसे ही स्टारफिश हट गई, अब इनका पॉपुलेशन क्या होने लगा, बढ़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगा। अब जैसे इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में क्या चालू हो जाएगा, कॉम्पिटिशन, सही बात है। इनके बीच में क्या चालू हो जाएगा, कॉम्पिटिशन। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कॉम्पिटिशन दोनों के लिए नेगेटिव होता है भैया, ठीक है। कॉम्पिटिशन दोनों के लिए नेगेटिव है, चाहे आप स्पीशीज ए हो चाहे आप स्पीशीज बी हो, दोनों स्पीशीज के लिए कॉम्पिटिशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब कॉम्पिटिशन बढ़ा होगा, जिसकी वजह से वो सारी स्पीशीज क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, समझ में आ रही, 10 species एक्सटिंक्ट हो गए इसकी वजह से। तो कितना जरूरी है, समझ में आ रहा है, कितना जरूरी है प्रेडेशन, क्लियर है। प्रेडेटर शुड बी प्रोड्यूएंट, ये भी भैया अच्छी बात है कि आप अभी मैं बोल रहा हूं ना कि प्रेडेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि आप सारी स्पीशीज को खा जाओ, ठीक है। एक लिमिटेड आपको नंबर में रहना है, एक लेवल में आपको रहना है, ठीक है, एक लेवल में आपको रहना है कि आपको सारी स्पीशीज को खत्म नहीं करना है, समझ में आ रही बात। तो प्रेडेटर शुड बी प्रोड्यूएंट, प्रोड्यूएंट मतलब भैया कि थोड़ा चेक में रखो, लेकिन पूरा एकदम तहस नहस मत कर दो उस चीज को, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज और है, दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या, कि जितने भी अब प्रेडेटर और प्रे की बात हो रही है ना, तो प्रेडेटर जब प्रे को खाने जाएगा तो प्रे क्या करेगा, प्रे तो नहीं मरना चाहता ना भैया, तो वो कुछ अपने बॉडी के अंदर चेंजेस दिखाते हैं वो लोग, जिसके जिसको हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, समझ में आ रही बात। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स होते हैं, उनमें कांटे आ जाते हैं। क्यों कांटे आ जाते हैं, क्योंकि दूसरा ऑर्गेनिज्म उनको खाना पाए, और भी बहुत सारे रीजन है। कैक्टस के अंदर कांटे किस लिए आते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो, लेकिन जो नॉर्मल एरिया में प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ट्रॉपिकल एरिया में प्रेजेंट है, उनको कांटे क्या जरूरत, उनको तो पानी मिल रहा है ना, फिर भी उनके अंदर कांटे आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उनको खाने जाए ना, तो वो कांटे उनको चुभ जाए, जिसके वजह से वो ऑर्गेनिज्म उनको खाना पाए, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म लोगों को देखने मिलते हैं। तो दो टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म लोगों को पढ़ना है, एक एनिमल्स के अंदर और एक प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स के अंदर कैसा डिफेंस मैकेनिज्म है और एनिमल्स के अंदर कैसा डिफेंस मैकेनिज्म, वो देखना है। एनिमल की बात करूं सबसे पहले मैं, तो तीन चीजें हम लोगों को पढ़नी है, दैट इज कैमोफ्लाज, एक होता है मिमिक्री और एक होता है पॉइजन। कैमोफ्लाज मतलब क्या, छुप जाना, ठीक है। कैमोफ्लाज मतलब क्या, आप अपने नेचर के हिसाब से अपना जो बॉडी कलर है, ठीक है, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको उस नेचर में ढाल लो, ताकि आप दूर से देखने पे ना प्रेडेटर को आप दिखो ही ना। जैसे आप लोग देखा होगा, ये जो होती है
गिरगिट होती है, क्या कर ली है अपना जो कलर है वो चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से वो दूर से दिखेगी ही नहीं कि उस वो कंडीशन में बैठी है। समझ में आ रही बात, ताकि जो शिकार आएगा ना, जो शिकारी आएगा वो उसको देख ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। तो ये एक कंडीशन है, दैट इज कैमोफ्लाज की। फिर नेक्स्ट होती है, दैट इज मिमिक्री। मिमिक्री क्या होती है पता है, कुछ बटरफ्लाइज ऐसे होती है, देखो हर बटरफ्लाई का, अलग अलग स्पीशीज के बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो कुछ ऐसी बटरफ्लाइज होती है जो पॉइजनस होती है, सॉरी जो क्या होती है, पॉइजनस होती है, मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उस बटरफ्लाई को खा लेगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि ये बटरफ्लाई क्या है, पॉइजनस है, सही है। तो कुछ ऐसी बटरफ्लाई होती है जो अपने आप को, ठीक है, खुद को उस पॉइजनस बटरफ्लाई की तरह, ठीक है, उनकी जैसा बॉडी स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर लेती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको देखने पे लगेगा अरे ये तो पॉइजनस वाली है, ठीक है, इसको खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो वो क्या करेगा, उसको नहीं खाएगा। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है वो पॉइजनस वालों की मिमिक्री कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, समझ रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं मिमिक्री। समझ में आ गया मिमिक्री। जैसे कुछ बटरफ्लाई है वो अपने बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म कर लेंगे जैसा लोगों को लगेगी कि भैया ये पॉइजनस वाली बटरफ्लाई है, इसको अगर मारने गया तो मैं भी मर जाऊंगा, तो उसको वो खाना नहीं करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, पॉइजनस। पॉइजनस तो अभी बता ही दिया मैंने तुम लोगों को, पॉइजनस मतलब क्या, कि अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स फॉर्म कर लेंगे ये लोग जिसकी वजह से कोई इनको खाना खाएगा नहीं, ठीक है, खाएगा तो मर जाएगा वो खुद ही। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ये एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है एनिमल्स की बात कर रहे। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में ओपियम्स, ठीक है, ओपियम्स आप लोगों को पता होगा, जैसे निकोटीन है, ठीक है, कैफीन है जो हम लोग पीते हैं, सही है ना, कैफीन निकोटीन हम लोग खाते पीते रहते हैं ना, चाय में हमारे कैफीन होता है, सही है। तो इसको प्लांट ने क्यों बनाया था पता है, डिफेंस के लिए, ठीक है, प्लांट ने इसको बनाया था डिफेंस के लिए, लेकिन आज हम लोग उसके मजे लेते हैं, भैया आज बैठो चाय पीते, ठीक है, ऐसा हो जाता है। सो ये एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है। साथ ही साथ क्या है, डेंजरस केमिकल, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या बनाने लगते हैं, डेंजरस केमिकल बनाने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया, दैट इज कैलोट्रोपिस का, ठीक है, कैलोट्रोपिस क्या है, एक केमिकल है जो क्या कर, एक पॉइजनस केमिकल है जो क्या करता है, चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। समझ में आ रही बात, इतना क्लियर है। और लास्ट है हमारे पास थ्रोन। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत सारे कांटे आ जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स क्या कर लेते हैं, बहुत सारे कांटे उगा लेता है ताकि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खाना ना चाहे। समझ में आया ये डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो आई होप आप लोग को प्रेडेशन समझ में आ गया होगा, और ये जितने भी सारे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए, ठीक है, ये जितने भी सारे एग्जांपल दिए, दैट इज प्रेडेशन के, पैरासिटिज्म के, कंपटीशन के, म्यूचुअलिज्म के, कमेंसलिज्म के और एमेंसलिज्म के, इसके जितने भी एग्जांपल दिए हैं और इसके एक्सप्लेनेशन सब कुछ याद में रखना, क्योंकि इसमें से एक या दो एग्जाम में कंफर्म आएगा, ठीक है, आ जाएगा कि प्रेडेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखो और उसके एग्जांपल के साथ समझाओ उसको, या फिर पैरासिटिज्म के, कंपटीशन के, ये सारी चीजें आती है। मोस्टली किसका आता है, मोस्टली आता है पैरासिटिज्म, सॉरी प्रेडेशन का, ठीक है, पैरासिटिज्म का आ सकता है, और अगर बात करूं कमेंसलिज्म का भी आ सकता है और म्यूचुअलिज्म का भी आ सकता है। ये कुछ ऐसे तीन चार है जो क्या है, ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनके चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो ये सब अच्छे से ध्यान में रख लेना, एग्जाम्पल के साथ इसको याद में रखना, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यही था आज का टॉपिक, दैट इज हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसके साथ हमारा जो लेसन है, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो भी यहाँ पे खत्म होता है। क्लियरली छोटा सा वीडियो लेक्चर था, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा क्या होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आके मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर से पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारा जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल पे सेट कर दो, ठीक है, अगर आप नए हो तो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए लेसन के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी।